लखनऊ तो जब भी आता हूँ आगरा सबसे पहले यहीं आता हूँ नाश्ता करने। तो भैया बस पूछो मत, कहता हूँ लखनऊ आ जाओ, ले तो चलेगी। हम अपने पिताजी के टाइम से करते आ रहे हैं नाश्ता। नाश्ता कैसा होता है बाबू जी? अच्छा लगता है, सुबह आ करके इसी का सेवन करते हैं हम तो। नमस्कार भैया जी, क्या हाल चाल है? तो नाम क्या भैया अपना? ऋषभ, क्या क्या खिला रहे हैं यहाँ पर? जो लोग भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, आलू का परांठा बनाते हैं। आलू का पराठा बनाते हो? जो आपको पूरे आगरा में कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है भैया, टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 6 बजे से 11 बजे। तो भैया आपकी जो ठेला किस नाम से है? वैसे दौलत राम बल्ले वाले। कितने साल पुरानी है? करीब 55 साल की है। जो हमारे दादाजी के पिताजी थे वो सुबह नाश्ते का, शाम को बल्ले का लगाते थे। आप कचौड़ी बेचते हो? बल्ले बेचते हो? बल्ले का काम बंद हो गया। बल्ले का बंद हो गया, कचौड़ी पराठे बस। तो भैया रेट क्या रहती कचौड़ी वगैरह की? 10 रुपए की कचौड़ी और ये चटनी पड़ेगी छोटी। बड़ा पराठा जो है ना वो 20 का है। और क्या देते हो सर साथ में? आलू पराठा रहता है जी। तो आप ही शुरुआत की आगरा के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखिए पराठा यहाँ पर थोड़ा और ही ड्राई हो जाएगा, देखो ये खड़ा होने के बाद में। अच्छा, आधा मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा ये? जैसे ये हो गया ना, देखिए। तो यहाँ पर रहता है इनका एक पराठा, कचौड़ी और बेड़ियाँ। तो भाई ये आगरा की गलियों का स्वाद भाई, यहाँ पर मिलता है एक अनोखा स्वाद आगरा शहर के अंदर। कटी हुई बेड़ियाँ, पराठा वगैरह यहाँ पर काफी स्पेशल मिलता है भाई। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है सुबह सुबह नाश्ते के लिए। दाल वाली बेड़ी है कौन सी? आलू वाली। अच्छा ये आलू की है। हाँ। तो ये मसाला होता है आलू का ना। तो भाई देखिए यहाँ पर बन रही है आलू की बेड़ी आगरा शहर के अंदर भाई। तो भाई ये देखिए हमें छोड़ी जा रही है यहाँ पर ये बेड़ियाँ। इधर भाई देखिए यहाँ पर ये बेड़ियाँ यहाँ पर सिक रही हैं। उधर ये भैया यहाँ पर स्टफिंग कर रहे हैं इनकी, आलू वाली बेड़ी आगरा शहर के अंदर भाई। तो जो दिख रहा है ना उसको बोलते हैं यहाँ पर पराठा है ना भैया? ये बड़ी कचौड़ी होगी इसको पराठा बोलते हैं लोग, है ना? अरे आलू का इसलिए बोलते हैं ना। अब देखना भाई इनको काटा जाएगा, किस तरीके काटा जाएगा भैया बताएंगे। भाई देखिए किस तरीके से काट रहे हैं भाई यहाँ पर। अलग नहीं होता भैया? क्या बात है भाई, ये देखिए भाई साहब ऑयल भरेगा उनमें तो भैया? फिर ऑयल नहीं भरेगा? अच्छा अंदर तक सिक जाएगी है ना? अच्छा एक बूंद ऑयल नहीं रहेगा यहाँ पर। एक अलग तरह का जगह मिल रहा है आगरा शहर के अंदर भाई, कटी हुई यहाँ पर बेड़ियाँ मिल रही है। कटी हुई बेड़ियाँ इनको लगा देते हो भैया, है ना? ऑयल निकालने के लिए उल्टा कले लगा देते हो ना? फेमस भाई देखिए लोग यहाँ पर कटी हुई बेड़ी पसंद करते हैं, आपको आगरा में कहीं नहीं मिलने वाली है। आधा पराठा खाते लोग हैं, चलिए लवातन का स्पेशल पराठा भाई। ये कौन सा आलू वाला? कौन सा? ये आलू वाला। आलू वाला है ना ये? आलू आलू की सब्जी ये हरी मिर्च ये देखिए। तो भाई ये आगरा की गलियों का जायका है भाई पराठा, आप देख सकते हो भाई आगरा शहर के अंदर मिल रहा है ये। देखिए भाई यहाँ पर मिलता है पराठा भाई, चेक कर सकते हो यहाँ पर स्पेशल मिलता है कटा हुआ पराठा। आप चाहे आलू का ले सकते हो चाहे दाल का ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। और पराठा सच में काफी क्रिस्पी है। जो स्वाद की अगर बात की है ना, स्वाद सच में जबरदस्त है, काफी टेस्टी है। इनका दावा है कि इनकी सब्जी में आपको ऑयल नहीं मिलेगा, मसाले आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे। इनका ये अनोखा पराठा मिलता है ना आपको यहीं पे मिलेगा रातपाड़े में। आप जब भी आपका मन करे तो आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और पेज को फॉलो करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लैंडमार्क जो है मंदिर है नॉर्थ पाड़ा दौलत राम बल्ले वालों।